जिन्होंने वायदे दिए थे कि मैं साथ में हूं, तुम घबराना मत, हूं साथे छू, तू चिंता करिश नहीं, मैं तेरा साथी हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा जब तक रहेंगे चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, जिन्होंने वायदे किए थे वे सब तुम्हें अब आखिरी यात्रा तक साथ दे रहे हैं। आखिरी यात्रा क्या, शमशान तक लिए जा रहे हैं, शमशान के करीब तुम्हारी अर्थी पहुंची है, तुम पहुंच गए शमशान के करीब। सुकन किया गया है, मटकी फोड़ी, जिनमें जो रिवाज होता है, जिन लोगों में कुत्तों को लड्डू बांटे, बाल बिखेर दिए। एक आदमी भागा भागा गया शमशान में कि 12 मन तोलो, पैसे जरा ज्यादा है तो 16 मन तोलो, और जरा धन ज्यादा है तो 18 मन तोलो, शरीर ने जरा चर्बी रखी है ज्यादा तो 20 मन तोलो। 20 मन तुलवा ले तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा कुटुंबी 16 मन तुलवा ले, 12 मन तुलवा ले, लेकिन आखिर में मिलेगी तुम्हें अग्निदान। अग्निदान मिल रहा है, अग्निदान की तैयारी हो रही है, मजदूर लकड़ियां तोल रहे हैं, तुम्हारे जीवन का सारा नफा और नुकसान, कर्म और धर्म, सुख और दुख जिसके कारण थे उसको आज 12 मन में पूरा किया जा रहा है। जिसकी माल मिलकत थी वो आज 12 मन लकड़ी का अधिकारी मात्र है, लेकिन ये लकड़ियां भी साथ में न ले जाएगा, लकड़ियां और खुद वो यहां रह जाएगा। ओम ओम ओम, क्या देह की नश्वरता और क्या मनुष्य तेरी ममता, क्या देह का बेहालपना और क्या मनुष्य तेरी लंबी चौड़ी कल्पना और वासना। हम अभी यहां बैठे हैं, दिन का 1:17 हो रहे हैं, इतवार का दिन है, सावन का महीना है, लेकिन मृत्यु ऐसा नहीं सोचती कि सावन का महीना है, मैं पृथ्वी पर न जाऊं। अभी इस समय तुम अहमदाबाद शहर के शमशानों में जाकर जांच करो, कई मुर्दे जल रहे हैं। मुख्य मुख्य जो शमशान है 3-4, उन पर उनमें तो लाइन लगी रहती है, अभी बबक बबक हो रहे हैं। कल 1:17 को वे लोग घूम रहे थे, उन लोगों की कोई कोई कल्पना थी, कोई कार में घूम रहा था तो कोई जहाज में घूम रहा होगा, किसी को मुंबई जाना होगा तो किसी को कलकत्ते जाना होगा, तो किसी का पासपोर्ट तैयार हो गया होगा वीजा के लिए जाना होगा, तो कोई अमेरिका की यात्रा की तैयारी करता होगा। कल 1 जिनकी कई कई कल्पनाएं थी वो आज बबुक बबुक बबुक, उनकी अर्थियां जल रही है, और आने वाले कल 1 जो लोग बबुक बबुक होने वाले हैं उनसे पूछो क्या हालचाल है। लड़के को शादी कराना है, फलाने का पैर गिराना है, फलाने की कुर्सी गिरानी है, फलाने को कुर्सी पर लाना है, फलाना ने बेसाड़वो छे, फलाना ने खसेड़वो छे, भईला बधा खसेला छे, कोई बैठेलो नथी, बधाना पाया खसेला छे, छेला पाया बधाना आई छे। एक फकीर था, बूढ़ा फकीर था, किसी भक्त को श्रद्धा हो गई, ठंडी के दिन थे, फकीर को कीमती दुशाला उड़ा दिया उसने। एक नंबरिया ने देखा कि कीमती दुशाला है, जब बेचूंगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, सट्टा खेलूंगा। फकीर को उड़ाकर वो भक्त तो चला गया, कुछ घड़ियों में वो जवान ने दुशाला खींचा ले भागा। बूढ़ा फकीर उसके पीछे पीछे थोड़ा सा गया, फिर मूछ पर हाथ रख के बोला कि बेटा तू कितना भी भाग लेकिन मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा करके वो शमशान की तरफ भागने लगा। वो आदमी तो भागा गांव की तरफ। दुकानदारों ने कहा कि बाबा जी तुम मूछ पर हाथ रखकर बोलते हो कि तुझे नहीं छोड़ूंगा तो उसके पीछे तो जाते नहीं, आप तो उल्टी दिशा में भाग रहे हैं और वहां तो शमशान है। बाबा ने कहा मैं वहीं जा रहा हूं, वो कितना भी भागे कहीं भी जाए लेकिन अंत में यहीं आएगा, मैं पहले ही वहां जाता हूं। तुम बाहर कितने भी भागो, जगत में कितनी भी ऊंचाई से दौड़ो, उड़ो, खाओ, पियो, लेकिन अंत में समझ लेना कि जिसको तुम मैं मानते हो उसकी आखिरी जगह यही है। जब आखिरी जगह है, अंत में जाना ही है, तो पहले से जरा वहां दोस्ती कर लिया करो। अंत में जहां जाना ही पड़ेगा तो पहले कभी कभी शमशान में जाया करो और अपने मन को समझाओ, ए मनीराम देख यहां आना पड़ेगा। यदि देह को मैं माना और शरीर से सुखी होने की कोशिश किया तो अंत में यहां आना ही है। अब अंत में यहां आना है, तुझे जहां दौड़ना है दौड़, जो करना है वो कर, लेकिन अंत में यहां आना है, ये रोज याद रखना। तुम्हें 100 आमंत्रण मिल जाए शादी के, तुम न जाओ तो कोई हरकत नहीं, लेकिन शमशान यात्रा ये आखिरी शादी का कोई आमंत्रण दे पड़ोसी तो भी ठीक है, और न भी दे तो तुम चले जाना। वशिष्ठ जी कहते हैं
कि सौ शमशान यात्रा में समझदारी से कोई आदमी जाए तो असाधु भी साधु हो जाएगा, और सौ बरातों में यदि साधु भी जाता है तो साधु असाधु हो जाएगा। शादी विवाह में सज्जन भी जाता है, ऐश आराम और विलास की बातें और हास विलास होते हैं वहां पर, सज्जन भी यदि जाता है बार बार तो उसकी वृत्तियां भी नीची होने लगेगी, और शमशान में यदि कोई विवेक से जाता है, समझदारी से जाता है, सौ बार शमशान की यात्रा में जाए, दुर्जन आदमी जाए तो भी सज्जन होने लगेगा, क्योंकि शमशान में ज्ञान और वैराग्य का निवास है। भक्ति तो हम लोग करते हैं, भक्ति तो सब करते हैं, कोई रुपयों की भक्ति करता है, कोई बीबी की भक्ति करता है, कोई पति की भक्ति करता है, कोई पत्नी की भक्ति करता है, कोई बच्चों की भक्ति करता है, कोई जाति की भक्ति करता है, कोई संप्रदाय की भक्ति करता है, कोई मजहब की भक्ति करता है, कोई राष्ट्र का भक्त है, कोई देश का भक्त है, कोई परदेश का भक्त है, परदेश में जाकर परदेश के ही गीत गाने लग जाते हैं, कोई किसी के गीत गाने लग जाते हैं। ये सब खंड खंड के भक्त तो हम लोग हैं, लेकिन उस भक्ति में ज्ञान नहीं, उस भक्ति में वैराग्य नहीं, इसलिए वो भक्ति हमारी रोती रहती है, वो भक्ति हमारी निंदा और स्तुति में ही बंध जाती है। भागवत का प्रारंभ होता है, भक्ति रो रही है और नारद जी संत मिले हैं। रोती हुई भक्ति को नारद जैसे संत मिलते हैं तो भागवत की कथा का प्रारंभ हो जाता है। भक्ति क्यों रो रही है कि उसके बेटे जो है ना वो बूढ़े हो गए हैं और खुद जवान है, माँ जवान है और बेटे बूढ़े हो गए, अर्थात भक्ति करनी हो तो तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े न होने चाहिए, ज्ञान और वैराग्य भी जवान होने चाहिए। कथा से तुम्हारा ज्ञान और वैराग्य जवान होता है, शमशान में जाकर विवेक करने से तुम्हारा ज्ञान और वैराग्य जवान होता है। बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति हमारी रोती रहती है। कोई देश की भक्ति करता है, कोई रुपयों की भक्ति करता है, उनकी अपेक्षा कृष्ण की भक्ति अच्छी है, उनकी अपेक्षा राम जी की भक्ति अच्छी है, शिव जी की भक्ति अच्छी है, लेकिन शिव जी की और राम जी की भक्ति यदि ज्ञान और वैराग्य मिलाकर करो तो शिव और राम तुम्हारे से दूर नहीं रह सकते, तुम्हारे हृदय में वो प्रकट होकर तुम्हें तत्त्वमसी का उपदेश हजम हो ऐसी जगह पर तुम्हें प्रेरित कर देंगे, कोई जिंदा फकीर किसी जिंदा हस्ती के पास तुम्हें भेज देंगे। गुर की बाणी, बाणी गुर बाणी विच अमृत सारा, उन संतों के पास तुम्हें भेज देंगे जो तुम्हें मौत के पहले ही अमर आत्मा का साक्षात्कार करा दे, मौत के पहले जो तुम्हें अमरता के गीत सुना दे, मौत के पहले जो तुम्हारा अमरत्व स्वभाव है, तुम्हारा अमृत स्वरूप जो निज स्वभाव है उसमें तुम्हें जगा देंगे। परीक्षित को सुखदेव जी मिल गए हैं, मौत के पहले परीक्षित अपने अमर स्वभाव को जान चुके हैं। जनक को ऐसे सदगुरु मिल गए, मौत के पहले देह जाने के पहले विदेही तत्व को जान लिया था। तोतापुरी मिल गए रामकृष्ण को, भक्ति तब तक रोती थी जब तक तोतापुरी गुरु नहीं मिले थे, तोतापुरी गुरु मिल गए।